वो मासूम आखिर क्या बिगाड़ा था उसने, उसकी गलती क्या थी। भूख से तड़पती नशीली दवाओं के डोज की वजह से सुन्न पड़ गई वो मासूम। ना चीख सकती थी, ना किसी को बुला सकती थी, ना कुछ महसूस कर सकती थी। उस वक्त वो क्या सोच रही होगी जब उसके साथ वो हैवान अपनी हैवानियत को शांत करने पर तुले थे और उसके नाजुक शरीर को उन दरिंदों ने सुन्न कर दिया था। और जब उस मासूम का शरीर उनकी हवस को शांत करने लायक नहीं बचा तो उसके मुंह पर पत्थर फेंक कर मारा गया। लेकिन जब वो दरिंदे अपने काले मंसूबों को पूरा नहीं कर पाए तो उनमें से एक दरिंदे ने अपने घुटने से मासूम का गला घोंट दिया। जी हाँ, जम्मू के इस कांड ने हर इंसान के इंसान होने पर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में रहने लायक हैं? क्या अब हमारा देश एक सभ्य समाज कहलाएगा? क्या यह वही भारत है जहां बच्चियों को देवी का रूप और घर की लक्ष्मी माना जाता है? लेकिन अब वो देश, वो भारत और वो सभ्य समाज नहीं रहा, क्योंकि अब यहां पर ना नवजात को पहचाना जा रहा है और ना ही उम्रदराज महिला को। बता दें, चार्जशीट के मुताबिक क्रूर हरकत और हत्या की साजिश पूर्व राजस्व कर्मचारी सांची राम ने रची थी। विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और नाबालिग भतीजे को अपनी साजिश में शामिल किया गया। मासूम के साथ हुए इस क्रूरता हरकत के बाद इसे राजनीतिक तमाशा भी बना दिया गया। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी से जुड़े लोग मैदान में उतर आए हैं। इन हालातों ने सांप्रदायिकता का वह विभत्स चेहरा भी पेश किया है जिसकी मिसाल देना बहुत मुश्किल है। और यही है हमारा समाज जहां पर हर एक मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।